गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज और एक आप लोग के लिए और एक वीडियो लेके आए मेटेलिक करोजन। मेटेलिक करोजन क्या होता करके उसके बारे में लिखा है। मेटल के ऊपर जो जंग लगता है उसको बोलते हैं मेटेलिक करोजन। क्या बोला, द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ऑन मेटल सर्फेस, मेटल के सर्फेस पे होता है ड्यू टू एयर एंड वाटर, इसको बोलते हैं मेटेलिक करोजन। मतलब वो ले क्या करता है, डैमेज कर देता है मेटल के सर्फेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है, डैमेज करता है। वो केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है, हवा और पानी के द्वारा। तो इसको इससे प्रिवेंट कैसे करें, इससे इसकी रेमेडीज क्या है, ऊपर तेल लगाइए, ऑयल लगाइए तो भला हवा और पानी कांटेक्ट नहीं कर पाए, बराबर। पेंटिंग कीजिए, एनिमल पेंटिंग कीजिए, पेंटिंग और एनिमल पेंटिंग अलग है। एनिमल पेंटिंग मतलब तो मोटा पेंट होता है जो घर पे हम लोग लगाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए, वल्कनाइजेशन कीजिए, बराबर। ग्रीसिंग करें, मैंने फिलहाल पॉइंट लिखा, पॉइंट के बारे में डीप में बुक में दिया है आपको, मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ। तो मेटल करोजन के बारे में पॉइंट पूछा है। तो व्हाट इज मेटल करोजन, द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ऑन मेटल सरफेस ड्यू टू एयर एंड वाटर, इट्स कॉल्ड मेटल करोजन। सिंपल लाइन, अगर आपको एक मार्क तो पक्का ही मिल जाएगा अगर ये लाइन भी लिखते तो। अगर रेमेडीज पूछा तो क्या क्या करना है, ऑयलिंग करना है, ग्रीसिंग करना है, पेंटिंग करना है, एनिमल पेंटिंग करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, वल्कनाइजेशन करना है। ऑयलिंग होता है छोटे छोटे चीज के लिए, ग्रीसिंग भी छोटे छोटे चीज के लिए, पेंट बड़े चीज के लिए। ये दोनों स्मॉल के लिए होता है, याद रखिए, ये बड़े के लिए होता है, ये भी बड़े के लिए होता है, ये भी बड़े के लिए होता है, ये भी बड़े के लिए। ऊपर के दोनों स्मॉल के लिए, बाकी सब बिग के लिए, याद रखिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू।